गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर आई एम आशा आई विल टीच यू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट आप लोगों का सेकेंड चैप्टर चल रहा है आज हम लोग उसी के आगे रीड करते हैं कंट्रोल पैनल आज हम लोग कंट्रोल तो पैनल रीड करेंगे Control panel control the entire configuration of computer system. It contains a number of system and utility programs which allow configuring the hardware and software setting. In other words, control panel is the central command of a computer system from where you can control all your periphs device with setting, setting, adding or removing program. वैन यू सेलेक्ट एंड क्लिक कंट्रोल पैनल इट डिस्प्ले आल आइकन रिलेटेड टू सेटिंग प्रोग्राम्स एंड कंट्रोलिंग ई टी सी कंट्रोल पैनल्स विंडो का वो स्थान है जहाँ से हम विंडोज में अधिकांश सेटिंग के कार्य कर सकते हैं जैसे नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना हार्डवेयर इंस्टॉल करना नेटवर्किंग की सेटिंग बदलना आदि समस्त शिकायत कंट्रोल पैनल में उपलब्ध प्रोग्राम द्वारा किया जाता है ओपनिंग कंट्रोल पैनल सपोज यू वॉन्ट टू चेंज द सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम दैन यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप स्टेप फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन एंड ए पॉप अपियर स्टेप सेकेंड क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल दंट्रोल पैनल विंडो अपियर ऑन द स्क्रीन सबसे पहले कंट्रोल पैनल uh, को ओपन करने के लिए निम्न स्टेप जो दिए हैं उसको फॉलो करने होते हैं स्टेप फर्स्ट है सबसे तो पहले स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए इससे स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा सेकेंड स्टार्ट मेन्यू में दाई ओर की पट्टी में कंट्रोल पैनल विकल्प को क्लिक कीजिए इससे कंट्रोल पैनल की विंडो खुल जाएगी इस विंडो में अनेक प्रोग्राम्स के आइकन दिखाई दिए दिखाई जाते हैं जो दिखाई विभिन्न प्रकार की सेटिंग को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं माउस सबसे पहले माउस सेटिंग माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइकन और एन एक्शन टू चेंज द माउस सेटिंग सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन माउस फ्रॉम द कंट्रोल पैनल विंडो इट डिस्प्ले माउस प्रॉपर्टीज विंडोज माउस को सेटिंग करने के लिए हम लोग जैसे ही माउस का खोलते हैं तो उसमें माउस की प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसमें आप हम माउस की सेटिंग कर सकते हैं तो जनरली कंटेन द टाइप ऑफ सेटिंग देयर आर थ्री टाइप्स की सेटिंग्स होती है बटन पॉइंटर एंड पॉइंटर ऑप्शन पॉइंटर सबसे पहले द मेन्यू सेटिंग इज एट डन जैसे क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन एंड द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाई देंट विंडोज व्हेन यू क्लिक बटन इट प्रोवाइड टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग बटन कॉन्फ़िगरेशन एंड डबल क्लिक स्पीड जो बटन होता है स्विच एंड सेकेंडरी बटन इसको चेक मार्क करने के लिए लेफ्ट क्लिक बटन को क्लिक करेंगे अब इसमें जो होते हैं प्रोग्राम जो भी बटन राइट बटन को दबाते हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड के बटन को दबाते हैं बटन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करने के लिए ये दिए गए ऑप्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस टू स्टेप हैं इसमें राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड इफ़ यू आर राइट हैंडेड ऑपरेटर सेलेक्ट द राइट हैंडेड हैंड ऑप्शन जो राइट right हैंड से काम करते हैं ऑपरेटर्स वो राइट right हैंडड वाला सेलेक्ट करेंगे और जो ऑपरेटर लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड वाला बटन कॉन्फ़िगरेशन चूज करेंगे बाय डिफॉल्ट राइट हैंडेड सेट होता है डबल क्लिक स्पीड द ऑप्शन हेप यू टू डिसाइड द टाइम इंटरवल टू ओपन प्रोग्राम दिस इज ए डन इन फॉलोइंग वे स्लो टू फास्ट ड्रैक द स्लाइड द टूर्साइड टूवर्स द फास्ट एंड रिड्यूस द टाइम इंटरवल बिटवीन डबल क्लिक एंड द प्रोग्राम अदर फास्ट ओपन फास्ट एंड आपको जब माउथ से डबल क्लिक करते हैं तो उसको फास्ट करने के लिए अगर वो स्लो चल रहा है तो स्लो से फास्ट करने के लिए आप ये वाली सेटिंग करेंगे और जब आप ये बार करेंगे तो आपका माउस जो है फास्ट वर्किंग करेगा फास्ट टू स्लो अगर आपका वो फास्ट कर रहा है ड्रैग करने में माउस करने में तो आप ये वाली सेटिंग करेंगे तो वो बहुत तेज आपका डबल क्लिक करते हैं बहुत तेज भाग रहा है तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा डबल क्लिक करने में प्रोग्राम ओपन कंपेयर टू स्लोअर पेस तो आपका काम वो थोड़ा स्लो हो जाएगा

आप उसका पॉइंटर का जो सेप होता है बहुत सारे सेप दिए होते हैं आप उसमें से उसका सेप चेंज कर सकते हो उसके करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप फर्स्ट क्लिक द पॉइंटर ऑफ द माउस प्रॉपर्टीज विंडो इट्स सो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर्स स्टेप टू सेलेक्ट पॉइंटर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप पॉइंटर फर्स्ट स्टेप है क्लिक द पॉइंटर ऑफ द माउस प्रॉपर्टीज विंडो आप माउस प्रॉपर्टीज विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर दिखाई पड़ेंगे अभी एरो वाला था आपको जो चूज़ करना हो वो बहुत सारे पॉइंटर्स के होते हैं सेप आप उसमें वो सेप चूज़ कर सकते हैं और सेलेक्टेड पॉइंटर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपनी चॉइस के हिसाब से उस पॉइंटर का सेप चूज़ कर सकते हैं अब वो पॉइंटर आपने जो चूज़ करा होगा वैसा बन के आएगा थर्ड स्टेप क्लिक द ब्रोस बटन टू सेलेक्ट टाइप ऑफ एरो फॉर ए वाइड वैराइटी आपको जो जो भी सेलेक्ट है उसकी जगह एरो की जगह आप वो वाला ऑप्शन जो आपने चूज किया है उसको सेलेक्ट करेंगे क्लिक द अप्लाई बटन आप उसको अप्लाई कर देंगे आपने जो चूज़ किया है वो वाला आपका पॉइंटर से आ जाएगा स्क्रीन में द माउस पॉइंटर हैज बीन रिप्लेस विद द ओरिजिनल वन अगर आप फिर वैसे ही चाहते हैं तो आपको फिर वही स्टेप करके आपको वो ओरिजिनल वाला फिर से आप कर सकते हैं चेंजिंग द पॉइंटर ऑप्शन इन अलाउ चेंजिंग द स्पीड ऑफ माउस पॉइंटर ट्रैल इट कैन द डन ऑफ वेस फॉलोज आप पॉइंटर का उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं क्लिक द पॉइंटर इसके लिए फॉलो स्टॉप करने के पड़ेंगे क्लिक द पॉइंटर ऑप्शन ऑफ द माउस पॉइंटर पॉपर इज विंडो आप लोगों का ये वाला जो है चैप्टर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे और जिन बच्चों ने बुक्स और कॉपी परचेस नहीं करी है हमारे ऑफिस खुले हुए हैं दोनों स्कूल के टाइमिंग है नाइन एम टू ट्वेल्व पी एम आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएँ बुक्स कॉपी परचेस करें सी यू आर नेक्स्ट क्लास बाय थैंक यू